पैराग्लाइडिंग के दौरान 500 फीट की ऊंचाई से गिरने पर हिमाचल में हुई पर्यटक की मौत। कुल्लू के धोबी में शनिवार को पैराग्लाइडिंग के दौरान हार्नेस ढीली होकर खुलने के बाद महाराष्ट्र के पुणे से आए 30 वर्षीय पर्यटक की 500 फीट की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। हालांकि पायलट सुरक्षित उतर गया था। पुलिस ने मामले में पायलट के खिलाफ लापरवाही को लेकर केस दर्ज किया है। दो बेटों ने विवाहेतर संबंध को लेकर पुणे में की 43 वर्षीय पिता की हत्या, जलाया शव। महाराष्ट्र के पुणे में विवाहेतर संबंध को लेकर 43 वर्षीय शख्स की हत्या करने के आरोप में उसके दो बेटों को गिरफ्तार किया गया। बकौल पुलिस, दोनों ने हत्या को छिपाने के लिए कथित तौर पर दृश्यम फिल्म से प्रेरणा लेते हुए शव को जला दिया। शिमला घूमने गए शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की, 7 महीने बाद यूपी में हुआ अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने 7 महीना पहले हिमाचल प्रदेश में अपनी 35 वर्षीय लिव इन पार्टनर की गला घोटकर हत्या करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। बकौल पुलिस, आरोपी ने बताया है कि वह महिला के साथ शिमला घूमने गया था और उसने रास्ते में पीड़िता की हत्या कर उसके शव को जंगल में फेंक दिया था। एक्ट्रेस सुनीषा शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में एक्टर शेजान को किया गया अरेस्ट। मुंबई में एक धारावाहिक के सेट पर 20 वर्षीय एक्ट्रेस सुनीषा शर्मा द्वारा कथित तौर पर खुदकुशी कर लेने के बाद पुलिस ने उनके सह कलाकार शेजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया। सुनीषा कथित तौर पर शेजान के साथ रिलेशनशिप में थी। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अभिनेता कमल हसन। दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को अभिनेता कमल हसन शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ यात्रा में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सदस्य श्याम सिंह यादव भी शामिल हुए। अभिनेता चलपति राव का 78 साल की उम्र में हुआ निधन। दिग्गज अभिनेता चलपति राव का रविवार सुबह कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट आने के बाद निधन हो गया। तेलुगु सिनेमा में कॉमिक रोल और खलनायक की भूमिकाओं के लिए मशहूर चलपति ने 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी इंदुमती और 3 बच्चे हैं, जिसमें से बेटा रवि बाबू एक्टर व फिल्म मेकर है। जनवरी के पहले 14 दिन से अंदाजा मिलेगा कि भारत में कोविड-19 कितना बढ़ने वाला है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जनवरी के पहले 14 दिनों से अंदाजा मिलेगा कि भारत में कोविड-19 कितना बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा, जहाँ तक यात्रा के चलते संक्रमण के प्रसार की बात है, जब लोग यात्रा करेंगे और वापस आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मामला बढ़ रहा है या नहीं। मिस्र में इंसान जैसे दांत वाली मछली ने स्कूबा ड्राइवर का पीछा किया और उसके पैर पर काटा। अलबामा के एक स्कूबा ड्राइवर ने बताया कि मिस्र में इंसान जैसे दांत वाली मछली ने हाल ही में उसका पीछा किया था और उसके पैर पर काट लिया था। स्कूबा ड्राइवर ने कहा है, मुझे लगा कि उसने शायद मेरी स्किन चीरी होगी और मेरा खून बह रहा होगा, उसके काटने का सिर्फ निशान रह गया था। हम बहुत छोटी सोच के होते जा रहे हैं, पठान के गाने पर चल रहे विवाद पर आशा पारेख। अभिनेत्री आशा पारेख ने पठान के गाने पर चल रहे विवाद पर कहा है कि बॉलीवुड हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहा है। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से हमारा दिमाग अब बंद होता जा रहा है, हम बहुत छोटी सोच के होते जा रहे हैं, जो कि गलत है। पुल से 30 फीट नीचे गिरी महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक जयकुमार गोरे की कार, 4 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक जयकुमार गोरे शनिवार तड़के सड़क हादसे की चपेट में आकर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पुणे पंडरपुर रोड पर फलटान के पास ड्राइवर के नियंत्रण खोने के चलते उनकी कार पुल से करीब 30 फीट नीचे खाई में गिर गई। गोरे के अलावा 3 अन्य लोग भी घायल हुए, जिनका इलाज जारी है।